हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ फालूदा की रेसिपी और फालूदा डिजर्ट दोनों शेयर कर रही हूँ। बहुत ही यम्मी है, आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। आज मैं आपके साथ फालूदा शेयर कर रही हूँ और वो भी बिना मशीन के। हम घर पर बिना मशीन के, जिन लोगों के पास घर पर अवेलेबल नहीं रहती है मशीन भुजिया निकालने वाली, उसके बिना भी हम घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फालूदा की रेसिपी। मैंने यहाँ एक कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया है। आप कॉर्नफ्लोर, आरारोट कुछ भी ले सकते हैं, आरारोट ले सकते हैं इसके जगह। एक कटोरी लिया है मैंने यहाँ। मैं सेवियाँ थोड़ी मीठी बना रही हूँ, नहीं तो फीकी फीकी होती है, तो हम जब खाते हैं तो ऊपर से मीठा इतना अच्छा नहीं लगता जितना उसके अंदर मीठा हो। इसलिए मैं 2 चम्मच भर के इसमें चीनी डाल रही हूँ, अच्छे से फुल, छोटी 4 चम्मच। ध्यान रहे, छोटी 4 चम्मच, थोड़ी थोड़ी मिठास हो सेविया में तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इसी कटोरी का सेम मेजरमेंट कर रही हूँ मैं। यहाँ मैं 3 कटोरी पानी ऐड करूँगी इसमें। जिस बर्तन में आप बना रहे हैं उसी में ही डायरेक्ट मिला लें आप इसे। यहाँ मैंने 3 कटोरी पानी लिया है। विस्क की मदद से, इसमें लम्स नहीं गिरना चाहिए इसलिए हम विस्क की मदद से इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से घुल गया है। इसे हम गैस पर अच्छे से ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेते हैं। इसे पकने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, लेकिन कंटिन्यू चलाते रहे। ये देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है ये देखिए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैंने यहाँ झर ली है, झर में से निकालेंगे हम। सबसे पहले आप आइस डाल के, ठंडा पानी डाल के रेडी करके रखें इसे। झर में से हम इसे निकाल लेंगे, फटाफट निकालना है हमें। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मेरे पास ये हल्की मोटी झर है तो थोड़ी सी मोटी सेवियाँ निकली हैं, लेकिन आपके पास और बारीक झर है तो आप निकाल सकते हैं। इसको ज़्यादा हिलाए नहीं, इसको सेट होने के लिए 15 मिनट के लिए रख दें। इसी तरह से हम सभी सेवियाँ निकाल लेते हैं। ये देखिए, सारी सेवियाँ निकाल ली है। इसे हमें छेड़ना नहीं है, सेट होने के लिए फ्रिज में 1/2 घंटे के लिए रख देते हैं ठंडे में। देखिए, फालूदा फ्रिज में बिल्कुल सेट हो गए हैं। ये देखिए सेवियाँ कितनी अच्छी बनी हैं। ये ध्यान रहे कि सेवैयाँ निकालते वक्त बिल्कुल गर्म तुरंत निकाल लेना है, जल्दी जल्दी, ठंडा होने के बाद ये अच्छी नहीं निकलेगी। ये देखिए, कुछ सॉफ्ट निकली है। अब हम फालूदा रेडी कर लेते हैं ग्लास में। मैंने यहाँ 2 ग्लास लिए हैं। ग्लास में सबसे पहले मैं आइसक्रीम डाल रही हूँ, कुल्फी डाल रही हूँ। मैंने यहाँ मिल्की कुल्फी बनाई है, ये डाल देंगे। अब इस पर डालेंगे हम थोड़ा चिया, सब्जा के जो बीज बोलते हैं सब्जा, इसे मैंने भिगो लिया था, ये डाल देंगे। पानी को आप छान के डालें। रूह अफ़ज़ा, इसी के साथ डालेंगे हम ब्लैकबेरी, ब्लैक अंगूर है जो थोड़े कट करके रखे हैं मैंने। चेरी, ग्रीन और रेड, ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू,
यहाँ मेरे पास एक सिरप और है फ्रूट फ्लेवर का, तो डाल देंगे। अब डालेंगे इस पर हम फालूदा। फालूदा के ऊपर डालेंगे हम सिरप फ्रूट फ्लेवर का, रूह अफ़ज़ा, आइसक्रीम, फालूदा और डाल देंगे इसके ऊपर। थोड़ी चिया, ग्रेप्स, चेरी, लास्ट पे रखेंगे इसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम। आइसक्रीम के ऊपर कलरफुल चेरी, ये देखिए हमारे फालूदा के ग्लास रेडी हैं, झटपट बन गए हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।